विधायक रिकेश सेन की पहल से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे अपराधियों पर नकेल कसने लगाए जा रहे हैं। 170 सीसी कैमरे विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए गए हैं। सीसी कैमरा का कंट्रोल पावर ट्रैफिक डीएसपी को दिया गया है, जहां से वे इसका नियंत्रण करेंगे। आपको बता दें, लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का नियंत्रण देखने वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन सेक्टर 6 पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां पहुंचे विधायक ने कंट्रोलिंग पावर को देखा और परखा और साथ ही इसे लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। कंट्रोल रूम पहुंचा हुआ हूँ, सेक्टर 6 कंट्रोल रूम। चुनाव लड़ते वक्त मैंने प्राथमिकताएं तय की थी कि सीसीटीवी कैमरा हर चौक चौराहे पर लगाया जाएगा वैशाली नगर विधानसभा में, और उसका कंट्रोल पावर मैंने तय किया कि कोतवाली सेक्टर 6 में एडिशनल SP और ट्रैफिक DSP के नियंत्रण में रहेगा। उसके लिए आज चेक करने आया है कि क्या परिस्थितियाँ हैं, और आज से ही हमने इसको चालू किया है, तो जिसमें 170 कैमरे विभिन्न चौक चौराहे पर लगे हुए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, ये जो है पावर हाउस बस स्टैंड का है, ये इसका जिसको सीधा यहाँ पे देखा जा सकता है। और इसके अलावा आप देखेंगे विभिन्न चौक चौराहे में है, इसमें आप देखेंगे गाड़ी गाड़ी जो क्रॉस हो रही है, जो लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं या कोई ऐसे असामाजिक तत्व जो गाड़ी में बैठे रहते हैं, उनका नंबर ऐसा फ्लैश हो जाता है, और जैसे ही फ्लैश होता है वो ट्रैफिक DSP के पास चला जाता है। तो ऐसे जितने चौक चौराहे पे हमने 170 स्थानों पर वैशाली नगर विधानसभा के कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा और भी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे घटनाएं हुई कई वार्डों में। जैसे एक वार्ड है मान लो, तो उस वार्ड में वहाँ के 8-10 लड़के जो सामाजिक तत्व तो होते हैं, वो लोग कोई अड्डा बना लेते हैं, तो उस जगह पे जितने स्कूल हैं, जितने सरकारी अस्पताल हैं, सभी जगहों पे भिलाई नगर निगम क्षेत्र में CCTV कैमरा लगाया जा रहा है, और जिसका कंट्रोल पावर जो है पुलिस विभाग के पास रहेगा। इसको मैं अपने मोबाइल में भी, मेरे मोबाइल में भी ये रहेगा, नगर निगम कमिश्नर के मोबाइल पे रहेगा, जो एडिशनल SP है उनके मोबाइल पे रहेगा, ट्रैफिक DSP है उनके मोबाइल पे रहेगा, और साथ में कंट्रोल जो है मेन कंट्रोल रूम में रहेगा यहाँ पे, जिसका नियंत्रण सीधा ट्रैफिक DSP करेंगे। और इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो केबल है, जहाँ जहाँ केबल लगा है, जो देखिए 2 TV बंद है, ये 2 TV बंद होने के कारण ये है कि केबल चोरी हो रहा है, जिसके लिए आज कंट्रोल में बैठक चल रही है, और सभी केबल ऑपरेटरों को बुलाया गया है, क्योंकि केबल ऑपरेटर और जो CCTV का जो केबल है दोनों, वो मिक्स हो जाता है, तो कई लोग गलती से उसे काट के ले जाते हैं और ले जाके अपने केबल में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए एक बैठक जो है आयोजित किया गया है, जिसमें उसका भी निर्णय होगा। इस पूरे जगह को मेंटेन कैसे किया जाए, साल भर का इसको मेंटेनेंस हमने ठेकेदार को दे दिया है। अब इसके अलावा और किन किन बिंदुओं पर बात होना चाहिए, उसके लिए आज मैं कंट्रोल रूम पहुँचा हूँ। एडिशनल SP, ट्रैफिक DSP, समस्त TI और सभी जो इसके जानकारी तो रखने वाले सभी यहाँ के विशेषज्ञ सबके साथ हम कंट्रोल रूम में बैठक है। मैं चाहता हूँ कि हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर रहे, और उसके लिए CCTV कैमरा तो हम लगा रहे हैं। आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि हर घर में बड़ा बड़ा फ्रिज खरीदते हैं, बड़ा बड़ा LED TV लेते हैं, लेकिन 5,000 रुपये का कैमरा आता है, अगर 5,000 का कैमरा अपने घर के आंगन में लगा देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, और पुलिस भी जो है अपराधियों को जल्दी ढूंढ निकाल पाएगी आपके CCTV कैमरा से। तो एक छोटा सा प्रयास है, चुनाव जीतते ही मैं सोचा कि इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है, तो ये मैंने पहल कर दी, आज इसको उद्घाटन भी कर दूंगा। CCTV कैमरा हर चौक चौराहे पे लगाया गया है, 170 CCTV कैमरा लगाया गया है, जिसका कंट्रोल पावर ट्रैफिक DSP को दिया गया है, और यहाँ से वो नियंत्रण करेंगे, कोई गाड़ी अगर क्रॉस करके जाएगी तो उसका गाड़ी का नंबर आ जाएगा। हर चौक चौराहे पे इसलिए लगा दिया गया, अगर अपराधी कोई अपराध करता है तो उसका फुटेज हमें मिल सके, और इसको लेके वैशाली नगर विधानसभा के साथ साथ भिलाई के कुछ हिस्से पे भी लगाया गया है। आज बैठक भी थी कि और क्या नया करना चाहिए, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करूंगा कि आप बड़ा बड़ा LED TV लेते हैं, लाखों रुपए का फ्रिज लेते हैं, 5,000 का एक CCTV कैमरा आता है, आप अपने घर के सामने अगर रख लेंगे, उसको लगा देंगे, तो आप भी सुरक्षित रहेगी और पुलिस को काम करने में आसानी होगी।
निश्चित रूप से आज का समय जो टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हर चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और उसमें भी अच्छे अच्छे एडवांस कैमरे आ गए हैं, एएनपीआर कैमरे आ गए, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा। यदि कोई भी गाड़ियाँ गुजरती है, कोई भी संदिग्ध गाड़ियाँ हैं, तो उसका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट हमको मिल जाता है। और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हैं जो हमको कमांड कंट्रोल सेंटर में बैठ के हम लोग देख सकते हैं। तो उसमें अभी जो कैमरे लगे हुए हैं नगर निगम भिलाई के द्वारा लगाए गए हैं, 170 कैमरे लगाए गए हैं और उसमें कुछ आगे भी अच्छे से काम करते रहे। उसके लिए आज विधायक जी के साथ हम मीटिंग हुआ था, उसका विजिट भी किया है और उसमें जो कमियां थी उसको शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। जैसे यूपीएस लगा हुआ होना चाहिए और उसमें जो वायलेशन कर रहा है उसका भी पूरा डिटेल आ जाए। इसके अलावा एक सर्वर रूम हो जाए और वहाँ पर जो बैठने वाला है वो आसानी से कोई भी क्राइम होता है तो तुरंत वहाँ पर बैठ के वहाँ पर उसको डिटेक्ट कर सके। तो ये काफ़ी उसको एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से और आने वाले 5 साल के हिसाब से उसको देखते हुए आज उसका विजिट किया गया है। जो भी कमियाँ हैं उसको आने वाले समय में दूर कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी पहल है और इसका काफ़ी लोगों को लाभ भी मिलेगा और इसमें जो संदिग्ध व्यक्ति हैं और इसमें क्राइम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी लाभदायक है। जो 2016-17 में ITMS कैमरे लगा, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का लगा हुआ था, जो 5 साल के लिए था, वो उसमें 11 चौक को लिया गया था। उसमें भी अलग अलग प्रकार के कैमरे लगे, ANPR कैमरा था, PTZ था, सर्विलेंस था और RLVD कैमरे भी थे। और उसका 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसका मुख्य कारण ये था कि जब कैमरे लगे थे उस समय फ्लाईओवर नहीं बने थे और फ्लाईओवर बनने के बाद वो कैमरे को हटा लिया गया। चंद्रमौर्या हो गया, सुपेला हो गया, पावर हाउस हो गया, कुम्हारी हो गया, वो कैमरे को पूरा रखा हुआ है। उसको कैमरे को हम लोग किस प्रकार नए सिरे से उसको उपयोग कर सकें और उसको कैसे उसका टेक्नोलॉजी को उपयोग करके, उसके लिए भी हमने बजट के लिए पुलिस मुख्यालय में भेजा है। वो बजट आने के बाद उसके लिए अलग अलग चिन्हांकन किया गया उसमें कैमरे को लगा के और एक अच्छी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उसको भी हम लोग आने वाले भविष्य में उसकी भी एक कार्य योजना बनाए हैं, उसको भी उपयोग करें। आम जनता से यही अपील है कि जो आप अपने घरों में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरा जरूर लगाएं। महंगी महंगी गाड़ियां लेते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए घर हम छोड़ के चले जाते हैं, तो CCTV कैमरा आजकल अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के कैमरे आ गए हैं, आप मोबाइल में उसको देख सकते हैं। तो ये सुरक्षा की दृष्टि सभी को अवेयर होना पड़ेगा और अपने अपने घरों के सामने कैमरे जरूर लगाएं, नियमों का पालन करें। और ट्रैफिक की तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि दोपहिया चला रहे हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं। नया साल भी आने वाला है तो खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं, ड्रंक एंड ड्राइव से बचें और नियमों का पालन करें तो निश्चित रूप से जो एक्सीडेंट से होता है और उसका मूल कारण रहता है ये रहता है कि लापरवाही, इससे हम बच सकते हैं।